हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो बुक है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है, और वो अभी कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो एमबीबीएस लेवल पे आप लोग फॉलो कर सके। तो हम ये लेक्चर्स जो है ना, आप दोनों साइड के सीआर, डीआईएमसी और डीएमसी, दोनों साइड के सीआर जो है वो मुझसे आखिर में बात करेंगे, जब वो 10-15 मिनट होंगे सवाल के दरमियान, और वो फिर अपनी ईमेल मुझे भेज देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर ये लेक्चर्स आपके लिए अनफ होंगे, जो लेक्चर्स 12-13 लेक्चर्स ये हैं, ये काफी होंगे आपके लिए। तो ये लेक्चर आपको भेज दिए जाएंगे। आर यू लिसनिंग टू मी? ओके, ये बात ध्यान में रखते हुए अब हम सबसे, हम ऑर्थोसिस में हम आज वी विल कवर अपर लिम एंड लोअर लिम बोथ। अच्छा, थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन थी लोगों को कि भाई इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी कि प्रोसेसेस ऑर्थोसिस एक ही चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप, मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, हमने स्टार्ट ही डेफिनेशन से लिया है। ऑर्थोसिस इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग मेकिंग स्ट्रेट, ओके, एंड ऑर्थोसिस इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नली अप्लाइड डिवाइस यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। यानी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली जो है ना, वो उसको कहना चाहिए कि एक्सटर्नली इसको अप्लाई करते हैं, मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, फंक्शन को और इसके स्ट्रक्चर को। न्यूरोमस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम, कोई ज्वाइंट हो सकता है, नर्व इंजरी की वजह से कोई रिस्ट ड्रॉप हो सकता है उसको स्ट्रेट करने के लिए, या उसको कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है आर्थराइटिस की वजह से, उसको अलाइन करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको ये आगे समझ में आता रहेगा। अच्छा, ऑर्थोटिक, ऑर्थोटिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस। अच्छा, इसको ऑर्थोटिक्स कह देते हैं। हमारी जो रिहैब टीम है उसका एक हिस्सा होता है P&O, प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट। ये प्रोसेसेस मैंने आपको पढ़ाया, अपर लिम लोअर लिम, ऑर्थोसिस, मेनली ये दो चीजें डील कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको P&O कहा जाता है। तो ऑर्थोटिक्स इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग पेशेंट बाय द यूज ऑफ एन ऑर्थोसिस। इसका जो है ना ऑर्थोसिस है, यानी आई की जगह आप ई लगा दें, ठीक है। ये छोटी सी ग्रामर आ गई। कंफ्यूजिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब इट एज ब्रेसेस, स्प्लिंट्स, यानी इसको मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल की जाती थी, कि कोई ब्रेसेस बोलता था, कोई स्प्लिंट्स, कोई कैलिपर्स, कोई अप्लाइंसेस, ये सारे ठीक हैं। लेकिन 1972 में ये हुआ कि एक टर्मिनोलॉजी डेवलप की गई ताकि एक यूनिफॉर्म हो जाए चीजें ना, और आसान हो जाए। तो जैसे कि इसमें हम ABC, आप गौर करें, ABC यानी जॉइंट। सबसे पहले जॉइंट को हम जिक्र कर देते हैं, जैसे नी की बात कर रहे हैं, जॉइंट इट, और फिर बी में एब्रीवेटिंग ईच जॉइंट इनटू सिंगल लेटर। एक मिसाल दी हुई सी, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स टू डिस्क्राइब द ऑर्थोसिस, जो आखिर में ओ है वो ऑर्थोसिस को डिफाइन कर रहा है। एग्जाम्पल देखें आप, KAFO, नी, एंकल, फुट, ऑर्थोसिस, यानी एक ऐसा ऑर्थोसिस जो स्टार्ट वो नी को भी कवर कर रहा है, एंकल को भी, फुट को भी, और ओ से ऑर्थोसिस। इसी तरह TLSO, ये एक मिसाल हम आपको दे रहे हैं, थोरेको लंबो सेक्रल ऑर्थोसिस, थोरेक्स से स्टार्ट हो रहा है, लंबर एरिया को भी कवर कर रहा है, सेक्रम पे जाके खत्म हो रहा है, ओके। अच्छा, व्हाट आर द क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्थोसिस? अच्छा, ये हमने ई इस्तेमाल किया, नॉट आई, यानी ऑर्थोसिस हम प्लूरल में इस्तेमाल कर रहे हैं। टू रिलीव पेन, देखिए ये कहाँ, क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा ऑर्थोसिस यूज करने का? टू रिलीव पेन, टू मैनेज डिफॉर्मिटीज, टू प्रिवेंट एन एक्सेसिव रेंज ऑफ जॉइंट मोशन। कहीं पर ROM ज्यादा है, एक्सेसिव है, यानी लैक्सिटी है, हाइपर एक्सटेंशन है, उसको रोकने के लिए हम, प्रिवेंट करने के लिए भी हम दे सकते हैं। डिफॉर्मिटी कोई हुई भी है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हैंड डिफॉर्मिटीज है वगैरह वगैरह, उनको सीधा करने के लिए, अलाइन करने के लिए, या पेन को डिक्रीज करने के लिए किसी जॉइंट में, या इस तरह का मसला है कि पेन हो रहा है उसकी मेल अलाइनमेंट की वजह से, या उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उसको कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ पोजिशन में इसको रखा जाता है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ जॉइंट मोशन। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ROM को बढ़ाने के लिए, रेंज ऑफ जॉइंट को और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टू कंपनसेट फॉर एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेगमेंट लेंथ और शेप, वही डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए। टू मैनेज एबनॉर्मल न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल वीकनेस है जैसे, या हाइपर एक्टिविटी है, किसी जगह वीकनेस है तो उसको कवर करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने, वीकनेस को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। टू प्रोटेक्ट टिश्यूज सम केसेस, इसको यानी टिश्यूज को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे अगर फर्स्ट फ्रैक्चर हो जाए तो वहां पर भी एक तरह का स्प्लिंट या ऑर्थोसिस यूज होता है ताकि टिश्यू को प्रोटेक्ट किया जाए, या किसी वोंड को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए भी ऑर्थोसिस यूज होता है, या कहीं पर टिश्यू पे इफेक्ट जोर पड़ रहा हो, ठीक है, उसमें भी।
या फिर हीलिंग को प्रोमोट करने के लिए, एक आपने कोई ऐसा कोई ग्राफ्टिंग वगैरह की ऐसी की, या कोई आपने ऐसा प्रोसीजर किया उसके ऊपर, तो फिर आपने वहां पर स्प्लिंट यूज कर लिया ऑर्थोसिस, ताकि उसकी हीलिंग की प्रोमोट की जा सके, टू प्रोवाइड अदर इफेक्ट्स, प्लेसिबो, वार्म, पोस्चरल फीडबैक, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऑर्थोसिस की? हम मैंने आपको शुरू शुरू में ही बताया कि रिहैब मेडिसिन टू इम्प्रूव फंक्शन, टू री इंटीग्रेट दैट पेशेंट टू द कम्युनिटी। कोई डिसेबिलिटी है उसको रिड्यूस करना है, इम्पेयरमेंट इज कॉजिंग द डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी लीडिंग टू लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कम्युनिटी, जिसको हम हैंडीकैप कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि टर्म्स थोड़ी सी अब चेंज की गई हैं, हम पार्टिसिपेशन कह देते हैं, डिक्रीज पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा, इसी तरह हमने इम्पेयरमेंट उसको भी हमने चेंज किया, जो आखिर में मैंने आपको बताया। अच्छा, अब फंक्शनल क्या रिक्वायरमेंट है? टू प्रिवेंट, रिड्यूस और स्टेबलाइज अ डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी को आप या तो रिड्यूस करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, या स्टेबल कर देंगे, वहीं रोक देंगे। टू मॉडिफाई द रेंज ऑफ मोशन ऑफ अ जॉइंट, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन को मॉडिफाई करना, कम करना, ज्यादा करना। टू एड टू द लेंथ और ऑल्टर द शेप ऑफ अ सेगमेंट, टू एड टू द लेंथ और ऑल्टर द शेप ऑफ अ सेगमेंट, टू कंपनसेट फॉर वीक मसल्स एक्टिविटी, और टू कंट्रोल मसल हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट करें रेडियल नर्व इंजरी किसी को हुई, ठीक है, उसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो गया, अब वो अपना एक्सटेंड नहीं कर सकता, अब रिस्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो हम इसकी वीकनेस को कंपनसेट करेंगे, उसको कॉकअप स्प्लिंट देते हैं। दैट इज काइंड ऑफ एन ऑर्थोसिस, उसमें डायनेमिक भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है। डायनेमिक में थोड़ी सी मूवमेंट होगी, स्टैटिक से उसको एक्सटेंड करके रखेगा एट द रिस्ट। ओके, टू रिड्यूस और रीडिस्ट्रीब्यूट द लोड ऑन टिश्यूज, समटाइम्स इसलिए भी यूज होता है कि उस पर लोड टिश्यूज पे डिक्रीज किया जाए। अच्छा, ऑर्थोसिस आर गिविंग टू द फॉलोइंग कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन में ऑर्थोसिस यूज होते हैं, लाइक पोस्ट पोलियो पैरालिसिस, नर्व इंजरीज, जैसे मैंने कहा रेडियल नर्व इंजरी, मीडियन नर्व इंजरी, या फुट ड्रॉप होता है जैसे इन पेरियोलियल नर्व इंजरी, शार्टिक नर्व इंजरी। ओके, स्ट्रोक, स्ट्रोक में भी आपने देखा होगा वीकनेस होती है, स्ट्रोक एंड ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ओके, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिसमें पैराप्लीजिया हो जाता है, आर्थराइटिस है, सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म है, डिफॉर्मिटीज है, कंजेनिटल लिम डेफिशिएंसी, बंस है, बंस में पोजिशनिंग करनी पड़ती है मुख्तलिफ जॉइंट्स की, ताकि वो कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, उसके लिए भी स्प्लिंट यूज होते हैं, या स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है, स्पोर्ट्स में जैसे इंजरीज होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा होता है। अब हम तो क्लासिफाई करें, ऑर्थोसिस क्लासिफाई कर लेते हैं, और किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल साइज, बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ज्यादातर एनाटॉमिक, हम स्ट्रक्चरली इसको, या कहना चाहिए एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल साइट्स जो है ना उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर क्लासिफाइंग द ऑर्थोसिस। देयर आर फोर मेजर कैटेगरीज, हेड एंड नेक ऑर्थोसिस, जैसे आपने सिंपली आपने कॉलर देखे होंगे, ठीक है, कल कॉलर देखे होंगे, मुख्तलिफ तरह के हेड एंड नेक में ऑर्थोसिस इस्तेमाल होते हैं। फिर अपर लिम ऑर्थोसिस, हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे इसको, लोअर लिम ऑर्थोसिस, फिर स्पाइनल ऑर्थोसिस जैसे कि स्कोलियोसिस वगैरह में यूज होते हैं, ये भी हम बाद में इसको देखेंगे एक और लेक्चर में अलग से, स्कोलियोसिस वाले में, अगर स्कोलियोसिस आपके उसमें है, TUS में है, तो वो भी पढ़ेंगे। अच्छा, लोअर लिम ऑर्थोसिस हम पहले कवर करेंगे, द मेजर क्लासिफिकेशन इन लोअर लिम ऑर्थोसिस आर, अच्छा देखेंगे, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप पढ़ें और समझ में आ जाएगा। FO is foot orthosis, वो orthosis जो foot में के area में इस्तेमाल किए जाएंगे। Ankle foot orthosis, AFO, ये ankle और foot दोनों को cover कर रहे हैं। फिर हैं KAFO, काफो, KAFO is knee ankle foot orthosis, ठीक है, it is spanning starting from the knee, it is covering the knee joint and ankle and foot as well, ये orthosis जो है knee से शुरू हो रहा है, जैसे आपने देखा होगा post polio में, पोलियो के पेशेंट को आप देखो उन्होंने एक बड़ा सा स्प्लिंट पहना होता है, HKAFO यानी हिप से शुरू हो रहा होता है समटाइम्स, और KAFO ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं अक्सर, हिप एंकल फुट, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, इसमें आप K के साथ एक H का इजाफा कर दें, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ठीक है। और फिर HKAFO विद स्पाइनल सपोर्ट, समटाइम आपको ऊपर भी सपोर्ट देनी पड़ती है, और उसको आप जैसे अक्सर पोलियो के पेशेंट में भी आप देखें, और भी अगर कोई इसको पैराप्लीजिया हो और हम वहां पर या इसको
मसल टोन ना हो, तो उसको फंक्शनल स्टैंडिंग करानी हो, वहां पर बहुत जगहों पे ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम फुट ऑर्थोसिस देखेंगे, हम नीचे से शुरू करते हैं। फुट ऑर्थोसिस इज अ मेडिकल डिवाइस एम्प्लॉयड टू सपोर्ट एंड अलाइन द फुट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और करेक्ट फुट डिफॉर्मिटीज एंड टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द फुट। अब इसमें थोड़ी सी कॉमन चीजें देखेंगे, क्या कर रहे हैं, फंक्शन फुट के इम्प्रूव कर रहे हैं और डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर रहे हैं। फुट ऑर्थोसिस आर द फंडामेंटल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी लोअर लिम ऑर्थोटिक सिस्टम। अच्छा, अगर फर्ज करें लोअर लिम में हम कोई कुछ करने जाए तो हम उसको कहते हैं कंफर्टेबल शूज पहने। किस तरह के शूज पहने, बहुत फिट किस्म के फूट शूज पहने, जॉगर्स पहने, कंफर्टेबल, थोड़ा सा हील ऊंची हो या नीची हो, या इस तरह करके हम उसको एडवाइस करते हैं। फिर फुटवेयर मॉडिफिकेशन, जैसे एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन एंड इंटरनल मॉडिफिकेशन, दो तरह से हो सकती है। जो शू इंसर्ट्स हैं, जैसे रिजिड, सेमी रिजिड, सॉफ्ट, इसमें आप देखेंगे वो इनसाइड ऑफ द शू, और एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन जो है वो ये होती है कि जैसे आपने फुट रेस कर दिया एक साइड से, आपने मीडियली या लेटरली आपने रेस कर दिया, तो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन भी होती है डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। अच्छा, हम उस डिजीज के गहराई में नहीं जाएंगे, हम बात हमारा लेक्चर जो है अभी कंसर्न है, और तो अभी पोलियो माइलाइटिस नहीं पढ़ रहे कि हम उसको एक्सप्लेन करें, या हम कोई डिजीज नहीं पढ़ रहे। ठीक है। अच्छा, ये कुछ मिसालें हैं इसमें, देखिए सिलिकॉन हील पैड्स फॉर प्लांटर फेशियाटिस। प्लांटर फेशियाटिस आपको पता है, हील पेन होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है प्लांटर फेशिया की, और उसकी बहरहाल उसकी वजुहत पे मैंने जाऊंगा। आप ये देखें इस तरह का ये सिलिकॉन हील पैड है। अच्छा, ये आपको ओवर द काउंटर भी मिलेंगे, अगर आप कभी बहुत अच्छी शू की दुकान में जाएंगे, जहन में मेरी आ रही है तारी रोड में है शू प्लेनेट, वहां पर अंदर दाखिल होंगे तो एक्सेसरीज भी लटकी होती है वहां पर, आपको नजर आ जाएंगे हील पैड्स, और आपको ये प्लास्टिक इनसोल नजर आ जाएंगे। ये स्पेशल है, देखें यहाँ पर, इसमें इसको यहाँ पर पेन था वो रिलीफ करने के लिए यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। अच्छा, ये कस्टम मोल्ड भी होते हैं, यानी कि नाप लेके भी बनाए जाते हैं। ठीक है। इसी तरह एक मिसाल है डेनिस ब्राउन, आपको डेनिस ब्राउन शूज फॉर क्लब फुट, ये जो बच्चों में जो आपने देखा होगा कि पीईवी होते हैं, टेलीपीज एक्वाइनोवायरस, तो उसमें उसको बिल्कुल शुरू की एज से उसको प्लास्टर स्प्लिंट्स दिए जाते हैं, उसके बाद डेनिस ब्राउन में ये बीच बीच में बार होती है, और उसकी डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए उसको थोड़ा सा लेटरली उसको रखा जाता है शूज को, और फिर फिक्स किया जाता है ताकि वो उसका क्लब फुट जो है वो करेक्ट हो जाए, काफी अच्छे उसको पहनना पड़ता है। ये भी शू मॉडिफिकेशन है, पूरा एक्सप्लेन होता है। इसी तरह यूसीबीएल शू इंसर्ट। अच्छा, ये असल में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऑफ ये असल में लेबोरेटरी का नाम है, वहां से मशहूर हुआ ये। अगर बहुत ही लैक्स किस्म का, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी कम हो और डिफॉर्म्ड हो फुट, तो ये यूज होता है, ये काफी कवर करता है मीडियली लेटरली, और ये उस लेबोरेटरी के नाम से यूसीबीएल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया शू इंसर्ट कहलाता है, लेबोरेटरीज है वहां पर। अच्छा, फंक्शन ऑफ फुट ऑर्थोसिस क्या है वो मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी किया। प्रोवाइड अ मैक्सिमल एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट बेयरिंग स्ट्रेस ओवर द एंटायर सोल, फिर रिड्यूस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन एंकल फुट नी हिप एंड स्पाइन बाय कंट्रोलिंग इनवर्जन इवर्जन ऑफ सब टेलर ज्वाइंट्स एंड सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ ट्रांसवर्स टर्सल ज्वाइंट्स बाय अब्सॉर्बिंग फुट ऑफ ग्राउंड रिएक्शन फोर्स। ये थोड़ा सा आपके लिहाज से ज्यादा है, लेकिन चले मैं क्विकली इसको बता देता हूँ। प्रोवाइड रिलीफ फॉर सेंसिटिव एंड पेनफुल एरिया ऑफ द फुट, सपोर्ट द आर्चेज ऑफ फुट, ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल द फुट बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट डिग्री एंड रेट ऑफ प्रोनेशन ऑफ फुट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग, उसमें भी ये थोड़ा सपोर्ट करता है। आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, करेक्ट एबनॉर्मल फुट पोजिशन, ठीक है, इक्वलाइज लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसीज, प्रोटेक्ट द फुट फ्रॉम इंजूरियस स्टिमुलाई, मिनिमाइज द प्रेशर एंड इरिटेशन फ्रॉम एक्सटर्नल शू एंड और इंटरनल बोनी प्रोमिसेस एंड सोर्सेस। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। फुट ऑर्थोसिस जो कॉमनली यूज होते हैं किन डिजीज में होते हैं, टेस प्लेनस जिसको हम फ्लैट फुट कहते हैं, टेस कैवस में मेटाटार्सलजिया ये जो पेन होता है हेड ऑफ द मेटाटार्सल बोन्स पे, हील पेन जैसे प्लांटर फेशियाटिस में होता है, टो पेन, लिम लेंथ डिस्क्रिपेंसी अगर हो जैसे आप पोलियो में देखते हैं, तो वहां पर कंपनसेट करने के लिए फुट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, फुट को एक्सटर्नली रेस कर सकते हैं और बराबर करने के लिए, इनसेंसिटिव फुट जिसमें बिल्कुल कोई सेंसेशन ना हो, ऑस्टियो आर्थराइटिस नी उसमें भी नीचे फुट दिया जाता है, क्लब फुट जो, और बूट्स फॉर एम्पिटेशन, एम्पिटेशन के जो बूट्स हैं वो भी फुट ऑर्थोसिस में आ जाते हैं। नीचे बूट तो आपको लगाना होगा जहां पर आपने लिम को कट किया हो, प्रोसेसेस के साथ उसको जोड़ना होता है।
अच्छा, सबसे पहले हम ए एफ ओ नीचे से हम चल रहे हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है, यूज ऑर्थोसिस। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज बिलो नी ब्रेस, बिलो नी आयरन, शॉर्ट कैलिपर, फुट ड्रॉप्स, स्प्लिंट। अक्सर फुट ड्रॉप वगैरह के पेशेंट को आपने देखा होगा ये पहने हुए, तो इससे फुट जैसे आप स्ट्रोक के पेशेंट में देखें तो वो फिर उसको ग्राउंड ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और आराम से चल सकता है। देन दिस ऑर्थोटिक अप्लायंस इज फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट विद गेट डेविएशन, गेट में प्रॉब्लम्स हो, बैलेंस ना हो, या फिर रिजल्टिंग फ्रॉम मसल डिसफंक्शन अराउंड एंकल एंड फुट। जब एंकल और फुट के अराउंड कोई वीकनेस की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो आप देखें एंकल फुट। और ये एएफओ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मुख्तलिफ डिजीज में। आप जब आगे आपको डिजीजेस पढ़ाएंगे तो आप इसमें देखेंगे क्या फंक्शन है एएफओ को। प्रोवाइड मीडियो लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ एंकल एंड प्रिवेंट इन एडवर्टेंट ट्विस्टिंग ऑफ द एंकल। इसको बच्चा स्टेबल करता है, ठीक है। सपोर्ट एंकल एंड फुट इन डोर्सिफ्लेक्सर्स वीकनेस, अगर डोर्सिफ्लेक्शन आप उठा नहीं पा रहे जैसे फुट ड्रॉप में, उसकी वीकनेस को कंपनसेट करता है, सपोर्ट करता है। प्रिवेंट ड्रैगिंग ऑफ द फुट, जब आपका फुट ड्रॉप हो तो ड्रैग करेगा आपका, तो उसको टो क्लियरेंस देता है, ठीक है, ड्यूरिंग द स्विंग फेज ऑफ द गेट, क्योंकि वो उठा के रखेगा। स्टिमुलेट पुश ऑफ ड्यूरिंग स्टांस, फिर पुश ऑफ में मदद देता है, यानी इसका मतलब जो ये गेट है जो आपको चलना है उसमें सपोर्ट देता है पेशेंट को। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ फिक्स इक्वाइनस कॉन्ट्रेक्चर एट एंकल। अच्छा, एंकल में जो कॉन्ट्रेक्चर हो रहा है, इक्वाइनस में जो कॉन्ट्रेक्चर हो रहा था, उसको भी प्रिवेंट करता है वो, जैसे डिफॉर्मिटी को कम मैंने कहा कि रिड्यूस करता है। इन एम्बुलेटरी पेशेंट, यानी जो चल रहे होते हैं, एएफओ प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंकल एंड द फुट एंड फैसिलिटेट वॉकिंग। इन नॉन एम्बुलेटरी पर्सन इट इज यूज एज अ पोजिशनिंग डिवाइस टू कीप एंकल एंड फुट सपोर्टेड इन डोर्सिफ्लेक्स पोजिशन एंड प्रिवेंट द प्लांटर फ्लेक्सर कॉन्ट्रेक्चर्स। जैसे पेशेंट ने पैराप्लीजिया है, कोई पेशेंट बेड रिडन है, तो उसमें यह कि कॉन्ट्रेक्चर बन जाएगा, तो उसको सपोर्ट करता है फुट को डोर्सिफ्लेक्स पोजिशन में, ठीक है। मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक में भी होता है, मेटल भी इस्तेमाल होता है, आगे आप देखेंगे। अच्छा, आप देखें थ्री कैटेगरीज आर देयर, इसमें क्लासिफिकेशन करें अगर आप, तो एक तो सबसे कन्वेंशनल है मेटल, देखिए मेटल इसमें यूज हो रहा है, और ये देखें द मेटल डिजाइन मेड अप ऑफ स्टील और ड्यूरा एल्यूमिनियम एल्यूमिन एंड फिटेड टू अ कन्वेंशनल लेदर शू, आम शूज के साथ उसको फिट कर देते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डबल अपराइट एएफओ, सिंगल अपराइट एएफओ, ठीक है। ये आपके मतलब रेंज से ज्यादा है, आप अगर इस तस्वीर को ध्यान में रखें और ये ध्यान में रखें व्हाट इज एंकल फुट ऑर्थोसिस, तो इट इज एनफ। कुछ चीजें हम प्रोस्थेटिस ऑर्थोसिस के उसमें छोड़ देते हैं। अच्छा, प्लास्टिक डिजाइन, मुख्तलिफ प्लास्टिक के भी एएफओ बने होते हैं, ठीक है। ये देखेंगे साइड में इनको थोड़ा सा मेटल भी यूज हुआ है इनकी जॉइंट की जगह पे, एंकल की। इट इज मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग और प्लास्टिक मोल्डेड ओवर द नेगेटिव पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, उसके बाद एक नाप ले लेते हैं और फिर इसको उसके हिसाब से कस्टम मोल्ड, यानी उसके हिसाब से बनाते हैं पेशेंट। इन सम डिजाइंस इन ऑर्डर टू एड टू द रिजिडिटी ऑफ द ऑर्थोसिस, द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन फाइबर इज ऑल्सो एडेड, ठीक है। इसमें जो प्लास्टिक डिजाइन में आप थोड़ा सा कार्बन भी इसमें फाइबर, मतलब मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं स्टेबिलिटी देनी होती है थोड़ा मजबूत कर देते हैं। प्लास्टिक जो एएफओ है आर्टिकुलर भी हो सकते हैं और नॉन आर्टिकुलर भी हो सकते हैं। नॉन आर्टिकुलर से मुराद इसमें ज्वाइंट नहीं है, आप ये देखें एंकल के पास, और आर्टिकुलर से मुराद है कि इसमें ज्वाइंट है एट द लेवल ऑफ द एंकल, ठीक है। फिर हाइब्रिड डिजाइन भी होते हैं, हाइब्रिड में क्या होता है, इसमें अबव, यानी कि इसमें जॉइंट भी है, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें मेटल भी है, ठीक है। फुट कंपोनेंट इज मेड फ्रॉम द प्लास्टिक एंड द टीबियल कंपोनेंट्स ऑफ मेटल अपराइट्स, लेकिन मेटल अपराइट्स उधर है और नीचे प्लास्टिक है, ये एक हाइब्रिड समझ लिया डिजाइन। आजकल हाइब्रिड का दौर है, गाड़ियां भी अब हाइब्रिड आ रही है। फिर आ जाए आप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस के एफ ओ आर इंडिकेटेड फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव सिग्निफिकेंट वीकनेस और डिफॉर्मिटी इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, इसमें यानी नी भी इन्वॉल्व हो गया, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस इंक्लूडिंग द नी। नी एंकल फुट ऑर्थोसिस आर मेड फ्रॉम मेटल एंड लेदर, आमतौर पे इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, सिर्फ प्लास्टिक से काम ही चल रहा होता है तो आमतौर पे नॉर्मली तो, लेकिन प्लास्टिक भी यूज होता है। नाउ डेज हाउएवर द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड थर्मोप्लास्टिक इज फास्ट गेनिंग पॉपुलरिटी, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, तो वजन हल्का हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को एम्बुलेशन वगैरह में मसला ना आए, अगर सिर्फ मेटल यूज करेंगे बहुत भारी हो जाएगा। केएफओज आर डिजाइन फॉर पर्सन विद सिग्निफिकेंट जीनोवेरम जीनोवेलगम, जिनकी डिफॉर्मिटीज होती है एट द नी, ठीक है। जीनो रिकर्वेटम, यानी हाइपर एक्सटेंशन हो रही हो जिसमें एट द नी, जीनो फ्लेक्शन एंटीरियर कोलैप्स। आइडियली एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्सेज री अलाइन द नी ओवर अ स्टेबल बेस ऑफ सपोर्ट एंड नॉर्मल ज्वाइंट मोशन
इज प्रोवाइडेड थ्रू मैकेनिकल ज्वाइंट स्ट्रक्चर, ठीक है, नी ज्वाइंट्स प्रोवाइडिंग फ्री लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट मोशन, नी ज्वाइंट्स भी दिए जाते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा कहीं तेज हो जाएंगे, कहीं कहीं जहां पर जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये इतना हम इतने टाइम में इतना बड़ा मौजूम कवर नहीं कर सकते, हम काम काम की बातें सिर्फ करेंगे। केएफओ में मेटल डिजाइन भी है, प्लास्टिक डिजाइन भी है, ये आपके स्कोप से ज्यादा है। बहरहाल डबल अपराइट भी होते हैं, सिंगल अपराइट भी होते हैं। सिंगल अपराइट, डबल अपराइट से मुराद के दो तरफ उसमें मेटल बार्स होते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ डिजाइन है, प्लास्टिक डिजाइन भी है, सुप्रा कॉन्डाइलर जो ऊपर तक जाते हैं, और फिर प्लास्टिक शेल्स के साथ भी होते हैं। देख लें कुछ इसमें, आप ये देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें हैं, ये थाई बैंड भी है, इसमें ऊपर से सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ पर नी कैप को सपोर्ट दे रहे हैं, और ये जॉइंट है, काफ बैंड भी है, थाई बैंड भी है, ठीक है, इसका सपोर्ट देने के लिए। फिर नीचे ये अपराइट्स आ रहे हैं, ये देखिए मेटल अपराइट्स, इसको ऐसे आप देख लें। अब आगे चलें, सुप्रा कॉन्डाइलर है जो कॉन्डाइल्स को कवर कर रहे हैं, के एफ ओ स्कॉट क्रेग डिजाइन, ये मुख्तलिफ उसके नाम से जिस बंदे ने इसको डेवलप किया था, ये थाई बैंड है, ये नी बैंड है, ये अपराइट्स हैं, ऊपर तक जा रहा है, ऊपर थाई से भी सपोर्ट ले रहा है। पीटीबी के एफ ओ है, पेटेलर टेंडन बियरिंग, ये पेटेलर की जो जहां पर आके एक्सटेंसर टेंडन कॉर्डिसेप्स लगता है उसको भी कवर कर रहा है, पेटेलर टेंडन बियरिंग, ठीक है। फिर है नी ऑर्थोसिस। अच्छा, अब आ जाए हम नी ऑर्थोसिस पे, पहले हमने ए देखा के एफ ओ, ए एफ ओ, फिर के एफ ओ, अब नी ऑर्थोसिस। के ओ आर अप्लाइसेस दैट एनक्लोजेस द नी ज्वाइंट, ये सिर्फ नी ज्वाइंट के लिए होती है, यूजली एक्सटेंडिंग एज फार एज मिड थाई, ये फुट तक नहीं जाते, ठीक है, एंड मिड काफ, ये इसने असल में नी में अगर प्रॉब्लम हो, बट नॉट अटैच टू द एंकल एंड हिप, ना ऊपर जाना ना नीचे, ये सिर्फ थाई और पिंडली को कवर कर रहे हैं, असल में इनका मकसद है नी को स्टेबल करना। देर आर टू बेसिक टाइप, सॉफ्ट भी होते हैं, रिजिड भी होते हैं। सॉफ्ट में इलास्टिक फैब्रिक यूज होता है, न्यूप्रीन यूज होता है, और रिजिड में रिजिड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव और रिहेबिलिटेटिव ऑर्थोसिस में भी ये यूज होता है, टिपिकली यूज आफ्टर ऑर्थोपेडिक सर्जरी टू प्रोटेक्ट स्ट्रक्चरली इनकॉम्पिटेंट टिश्यूज फ्रॉम डिलिटेरियस फोर्स ड्यूरिंग हीलिंग, हीलिंग के लिए नहीं, आप जब किसी ने नी पे समबडी हैज सम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैज ऑपरेटेड, तो उसको पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेटिव ऑर्थोसिस कहते हैं, उसको जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए देते हैं। फिर फंक्शनल ऑर्थोसिस होते हैं, डिजाइन टू लिमिट एक्सेसिव मूवमेंट्स इंक्लूडिंग वेरस एंड वेलगस स्ट्रेस एंड नी हाइपर एक्सटेंशन, एड्रेसेस नी इनस्टेबिलिटी कॉज बाय एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, एसीएल में अक्सर यूज होता है फंक्शनल ऑर्थोसिस। इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें मूवमेंट भी है, ये इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, इसको स्टेबल भी कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज अलाउइंग द मूवमेंट एज वेल एट द नी, अक्सर ये एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इंजरी यूज होता है। फिर ऑर्थोसिस फॉर पेटरोफेमोरल पेन कंडीशन, यूज इन पेटरोफेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है, ये है, सिंपल है, इसमें देखें कोई मेटल भी यूज नहीं हुआ। फिर ऑफलोडिंग और अनलोडिंग के और न्यू फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर पेन हो तो उसमें ताकि लोड इससे इस पे कम किया जाए। अच्छा, इनकी भी डिजाइन आप सिर्फ देख लें और याद रख लें, आपको इसमें बेसिकली के ओ का पता होना चाहिए क्या फंक्शन है। फिर आ जाए हिप ऑर्थोसिस, ये हिप ऑर्थोसिस आर अप्लाइंसेस दैट हैव कंपनसेटरी अप्लाइंसेस दैट हैव कंपोनेंट्री ओनली एट द हिप एंड पेल्विस। हिप ऑर्थोसिस सिर्फ हिप और पेल्विस से कवर कर रहे हैं, प्राइमरीली जो है ना कंट्रोल करते हैं हिप पोजिशन को, मोस्ट ऑफन यूज एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड स्केलेटल डिफॉर्मिटी, जैसे CHD आपने पढ़ा होगा, कंजेनिटल हिप डिस्प्लेसिया, और टू रिस्ट्रिक्ट द हिप मूवमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉलोइंग द हिप सर्जरी के बाद भी बच्चों में और बड़ों में यूज होते हैं, जैसे हिप एबडक्शन ऑर्थोसिस है, या पेवलिक हार्नेस है, बच्चों में यूज होते हैं, पेवलिक हार्नेस, वॉन रोसन ऑर्थोसिस, मुख्तलिफ नाम है जो कि कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप में यूज होते हैं, ठीक है। इनको एक खास पोजिशन में इनको रखा जाता है ऑपरेट करने के बाद भी, और वैसे भी ताकि ऑपरेशन के बगैर भी अगर कंजर्वेटिव ट्रीट कर रहे हैं तो उनको एबडक्शन में रखा जाएगा थोड़ा सा, और ताकि वो अपनी जगह पे डेवलप हो जाए इनका हिप जॉइंट, तो उसमें उनकी ट्रीटमेंट इस तरह की जाती है। स्कॉटिश के मुख्तलिफ नाम है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है HKAFO, इसमें हिप ऐड हो गया, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, अप्लाइज दैट कंबाइन कंपोनेंट्री एट द हिप एंड पेल्विस एज वेल एज द नी एंड फुट एंड एंकल, ये पूरा ऊपर से नीचे तक। केफो जो है ना, आप ये देखें एक मिसाल है, रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब पैराप्लीजिया होता है तो उसमें ये पूरा ऊपर से सपोर्ट दी जाती है लोअर एबडोमिन एंड थोरेक्स से, और फिर नीचे इसमें आप देखें पूरी कंपोनेंट्री है, हिप जॉइंट भी इसमें है, तो इसमें क्योंकि आपका पाँव मूव ही नहीं कर रहा, आपके लोअर लिम्स मूव नहीं कर रहे, तो फिर उसको आप
यूज करते हैं, एक वॉकर ले लेते हैं, और उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस, इसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस भी कभी कभी ईएमएस भी यूज होता है। खैर वो बात की बात है, इसमें अगर हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ेंगे तो देखेंगे पेशेंट विद पैराप्लीजिया में यूज होता है। सिग्निफिकेंट पैरापिरिसिस ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंक्लूडिंग दोज विद एक्वायर्ड इंजरीज ड्यू टू एक्सीडेंट्स, कंजेनिटल डेफिशिएंसीज एज स्पाइना बिफिडा बाइफिडा विद मेनिनजोमायोसील, पैरालिसिस दैट डेवलप ग्रेजुअली ड्यू टू प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज। इन डिजीज में आजकल भी एचकेएफओ यूज होता है। अपर लिम ऑर्थोसिस में आप आ जाएगी, लोअर लिम में इतना काफी, हमने फुट से शुरू किया हिप तक चले गए। क्या इंडिकेशंस हैं प्रिंसिपल सर? ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपर लिम ऑर्थोटिक एप्लीकेशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर एरियाज, प्रोटेक्शन के लिए, करेक्शन के लिए, असिस्टेंट विद फंक्शन, इन फंक्शन को असिस्ट करने के लिए, या डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, या प्रोटेक्ट करने के लिए। चलें पहले प्रोटेक्शन देखते हैं। ऑर्थोटिक डिवाइसेस कैन प्रोवाइड कंप्रेसिव फोर्सेस एंड ट्रैक्शन इन अ कंट्रोल मैनर टू प्रोटेक्ट द इम्पेयर्ड जॉइंट और बॉडी पार्ट। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्सेस दे रही हैं, ट्रैक्शन दे रही हैं कंट्रोल मैनर में, इसको प्रोटेक्ट कर रही है इम्पेयर्ड जॉइंट को या बॉडी पार्ट को, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रिस्ट्रिक्टिंग और प्रिवेंटिंग जॉइंट मोशन जो कि नुकसानदेह है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। मेक करेक्ट अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी, कोई प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी हो रही है उसको रोकना। ठीक, और प्रोटेक्टिव ऑर्थोसिस कैन ऑल्सो स्टेबलाइज अनस्टेबल बोनी कॉम्पोनेंट्स एंड प्रोमोट हीलिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन्स। ठीक, चलिए इसको देखते हैं, आगे आपको समझ में आता जाएगा, जैसे तस्वीरें भी थोड़ी बहुत होंगी। करेक्शन कैसे करें? ऑर्थोसिस हेल्प इन करेक्टिंग जॉइंट कॉन्ट्रेक्चर्स एंड सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट और टेंडन्स, कहीं पर सबलक्सेशन हुई हुई है, कहीं पर कॉन्ट्रेक्चर बना हुआ है, तो उसको भी करेक्ट करने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए ऑर्थोसिस यूज हो रहा है अपर लिम में। दे असिस्ट इन, अच्छा ये लोअर लिम में भी तकरीबन यही चीजें हैं, लेकिन जो अपर लिम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अलग से बता रहे हैं, क्योंकि जो इसका बेसिक काम है ऑर्थोसिस का, अपर लिम लोअर लिम स्पाइनल हर जगह तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। दे असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ जॉइंट डिफॉर्मिटीज, करेक्ट कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे असिस्टेंस विद फंक्शन, कंपनसेटिंग फॉर मसल वीकनेस और इंक्रीज मसल टोन, बहुत ज्यादा मसल टोन इंक्रीज है उनको थोड़ा कम करने के लिए यूज हो सकता है अपर लिम में। इसके अलावा डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए, तो ये फंक्शन में असिस्ट कर रहा है ना, या फिर कंपनसेट कर रहा है डिफॉर्मिटी को, फंक्शन को असिस्ट कर रहा है इस तरह से। फिर आप आ जाइए, अपर लिम ऑर्थोसिस कैन बी कैटेगराइज्ड इन सेवरल वेज, द मेन कैटेगरीज आर स्टैटिक एंड डायनेमिक, हम इसमें दो में डिवाइड कर देते हैं। स्टैटिक अंडर, अच्छा अंडर ईच ऑफ दीज प्राइमरी कैटेगरीज इट इज कन्वीनियंट टू ग्रुप अपर लिम ऑर्थोसिस फर्दर एज थेरापेटिक और फंक्शनल, कुछ थेरापेटिक होंगे जो कि ट्रीटमेंट के तौर पर यूज होंगे और कुछ फंक्शनल होंगे। चले आप आगे देखें क्लासिफिकेशन, स्टैटिक क्या है? सीरियल स्टैटिक, जैसे हम डेनिस ब्राउन, जैसे हम बच्चों में जब हम एक्वाइना वायरस ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसकी सीरियल कास्टिंग करते हैं, वो भी एक तरह से उसमें आ जाता है। खैर मैं आपको मिसाल लोअर लिम की दे रहा हूँ, अपर लिम में जैसे कोई डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए स्टैटिक मोशन ब्लॉकिंग, स्टैटिक प्रोग्रेसिव, आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिग्री, जैसे आप पहले 30 डिग्री पर रख रहे हैं रिस्क के एक्सटेंशन को, फिर उसको आप 20 पे लेके आ रहे हैं, या उसको आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहे हैं, या आरओएम को इम्प्रूव करने के लिए पहले 10 पे रख रहे हैं 5 पे, इस तरह करके स्टैटिक है। फिर डायनेमिक में मोशन ब्लॉकिंग, या तो मोशन को रोकना है अपने, या ट्रैक्शन देना है, या टीनोडेसिस के तौर पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, कंटिन्यूस मोशन ऑर्थोसिस ये आपके स्कोप नहीं है, ये एक मशीन होती है, इसमें सीपीएम इसको कहते हैं हम। अच्छा एडेप्टिव ऑर्थोसिस, अच्छा अब स्टील कास्टिंग में जैसे एक स्टैटिक स्प्लिन बट द एंगल ऑफ द पोजिशनिंग इज चेंज पीरियोडिकली, एक आप देखेंगे इसमें ना, फॉर एग्जाम्पल इन फ्लेक्शन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीआईपी जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट में विद सीरियल रिपोजिशनिंग, आप पहले जैसे प्लास्टिक सर्जन कोई ऑपरेशन करता है उसको एक पोजिशन पर रख देता है फ्लेक्शन में, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके रेंज को बढ़ाता जाता है, उसको एक्सटेंड करता जाता है, ये देखें इस तरह से। फिर स्टैटिक मोशन ब्लॉकिंग यानी परमिट्स मोशन इन वन डायरेक्शन एंड ब्लॉक्स अदर मूवमेंट, फॉर एग्जांपल स्वान नेक स्प्लिंट होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है उसमें, ब्लॉक्स हाइपर एक्सटेंशन एंड अलाउज फ्लेक्शन एट द पीआईपी जॉइंट, ये देखिए, ये आप पहले देखें डिफॉर्मिटी और ये देखें स्प्लिंट, इसने यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन रोकी है और यहाँ पर फ्लेक्शन और फ्लेक्शन अलाउ कर रहा है, यहाँ फ्लेक्शन कर रहा है और एक्सटेंशन को रोक रहा है। ठीक है, स्वान नेक में। फिर इसी तरह स्टैटिक प्रोग्रेसिव स्प्लिंट यूज टू रीगेन रेंज ऑफ मोशन, द जॉइंट इज प्लेस्ड इन अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेच
एंड वंस मोशन इज इंक्रीज द टेंशन इज इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। देखें यहाँ उन्होंने स्प्रिंग का यूज किया हुआ एक तरह से आप समझ लें, और ये देखें यहाँ पर इसकी रेंज ऑफ मोशन के लिए फिर ये एक्सरसाइज करेगा और इसकी रेंज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। स्टैटिक प्रोग्रेसिव फ्लेक्शन विद अ मेरिट कॉम्पोनेंट। अच्छा ये सिर्फ आपको सिर्फ एक नो हाउ देने के लिए है, अगर आप प्रैक्टिकली अगर हैं आर्टिफिशियल लिम सेंटर और या फिर उधर जाते हैं तो आप ये सब चीजें प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। फिर डायनेमिक मोशन ब्लॉकिंग यूटिलाइजेस पैसिव इलास्टिक पोल इन वन डायरेक्शन एंड एक्टिव मूवमेंट इन द अदर डायरेक्शन। दिस अलाउज टू मेंटेन द फंक्शनिंग ऑफ द अनअफेक्टेड ग्रुप ऑफ मसल। फॉर एग्जाम्पल आपको रेडियल नर्व इंजरी में रिस्ट ड्रॉप हुआ, डायनेमिक कॉकअप स्प्लिंट है, ये देखें तस्वीर। एक्टिव फ्लेक्शन एंड पैसिव एक्सटेंशन इज अलाउड। इसमें देखें इसमें स्प्रिंग यूज हुए में, एक तो इसने ये किया कि डिफॉर्मिटी को कम कर दिया, अब इसने इसको कॉकअप स्प्लिंट ने एक्सटेंड कर दिया एट द रिस्ट। रिस्ट आपकी क्योंकि ऊपर नहीं जा रही रेडियल नर्व इंजरी की वजह से, एक तो ऊपर किया। फिर अगर आप ये अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स करेंगे तो स्प्रिंग जो है ना इनको वापस लेके जाएगा, तो ये डायनेमिक हो गया, तो ये फंक्शन को अलाउ कर रहा है। आप जब इसकी मुट्ठी को बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग इसको खींचेगा तो ये करेगा। डायनेमिक ट्रैक्शन स्प्लिंट इट ऑफर्स ट्रैक्शन टू अ जॉइंट एंड अलाउस कंट्रोल मूवमेंट ओनली। ठीक है, जैसे ये एक हैंड बेस्ड प्रॉक्सिमल इंटरफेलिंजल एक्सटेंशन स्प्लिंट है विद लो प्रोफाइल आउट ट्रिगर प्लेसिंग डायनेमिक ट्रैक्शन ऑन द डिजिट वायर अलाउइंग फॉर पैसिव रेंज ऑफ मोशन। ये देखें आप यहाँ पर, अब इसको फ्लैक्स भी कर सकते हैं, इसके अलावा देखें इसको एक्सट्रैक्शन भी दे रहा है एट द सेम टाइम। फिर एक टीनोडेसिस स्प्लिंट है, यूटिलाइजेस एक्टिव एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट इन C6 टेट्राप्लेजिक पेशेंट टू प्रोड्यूस कंट्रोल पैसिव फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर्स अगेंस्ट अ स्टैटिक थंब पोस्ट यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम। खैर ये बहुत आप लोगों के स्कोप से बाहर है, ये हम ऑर्थोटेस्ट प्रोसेस उसके हाथ में छोड़ देते हैं। ये देखें ये टीनोडेसिस मुराद है कि इसने ग्रिप, इसने अंगूठे और उंगली को यूज करके किसी चीज को ग्रिप करना है। इसका हाथ बिल्कुल जो इस काबिल नहीं है कि वर्क कर सके, क्योंकि इसको C6 लेवल पे टेट्राप्लीजिया है, इसके चारों हाथ पाँव मूव नहीं कर रहे हैं, और जब इसका टेट्राप्लीजिक और C6 लेवल पे है, इसके इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो प्रॉक्सिमल मसल्स तो काम कर रहे हैं लेकिन नीचे इसका, क्योंकि ये देखिए आप फंक्शनल कार्बन टीनोडेसिस ऑर्थोसिस विद रिस्ट रेचर कंट्रोल टू एडजस्ट फॉर टेंशन। दिस स्प्लिंट यूज फॉर फंक्शनल पिंच ड्यूरिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ADLs में यूज हो रहा है, पिंचिंग टू द थंब पोस्ट। फिर इसी तरह CPM है, कंटिन्यूस पैसिव मोशन मशीन एक है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डिवाइस दैट मूव्स अ जॉइंट इन द डिजायर्ड प्रोग्राम्ड रेंज ऑफ मूवमेंट। फिर स्टैटिक आर्म ऑर्थोसिस है, सिंगल फिगर ऑफ एट ऑर्थोसिस यूज टू सपोर्ट शोल्डर एल्बो एंड फोर आर्म। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सबलक्सेशन ऑफ शोल्डर इन हेमिप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक में यूज होता है स्टैटिक आर्म ऑर्थोसिस, जैसे BFO वगैरह भी यूज होते हैं, बैलेंस फोर आर्म ऑर्थोसिस। ये देखें रोलियान फिगर ऑफ एट स्लिंग यूज फॉर आर्म सपोर्ट एंड कम्फर्ट ऑफ द शोल्डर जॉइंट इन अ पेशेंट विद हेमिप्लेजिया, ये शोल्डर को डिसलोकेट होने से रोकेगा। फिर है एयरप्लेन स्प्लिंट, ये देखें आप, इट कीप्स द आर्म इन 90 डिग्री एब्डक्शन एंड अलाउज नो मूवमेंट्स इन द ग्लेनोहेमरल जॉइंट, उसको स्टैटिक करके रखता है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट के। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल एंड इज हेल्ड टू द चेस्ट वॉल बाय स्ट्रैप्स और इलास्टिक बैंडेजेस, ठीक है, इंडिकेटेड इन एब्स पाल्सी एंड बर्न्स इन द एक्सिला। एयर स्प्लिंट बहुत ज्यादा बर्न में यूज होता है ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स को रोका जा सके, और एल्स पाल्सी में भी यूज होता है, जिस एल पाल्सी में आपका, ठीक है, आपका क्या होता है एल्स पाल्सी में, आपका शोल्डर जो है वीक होता है बहुत ज्यादा। इसमें मैं इसकी डिजीज की गहराई में नहीं जाऊंगा। एल्बो ऑर्थोसिस, अब आप आ जाए थोड़ा ऊपर, स्टैटिक पोजिशनिंग एल्बो ऑर्थोसिस, अ लॉन्ग कास्ट इज एन एक्सीलेंट स्टैटिक ऑर्थोसिस फॉर पोजिशनिंग ऑफ द एल्बो, ठीक है। इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज ऑर्थोटिक डिवाइस फॉर करेक्टिंग अ फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर, ये देखिए ये सिंपल एक POP से बना हुआ है, ठीक है, इसको भी हम ऑर्थोसिस में ले लेते हैं। फिर है स्टैटिक एल्बो रिस्ट ऑर्थोसिस, ये देखें, इट इमोबिलाइजेस एल्बो फोरआर्म एंड रिस्ट इन फंक्शनल पोजिशन, ठीक है, कॉमनली यूज इन पोस्ट बर्न रिहेबिलिटेशन। अब आगे चले रिस्ट ऑर्थोसिस, ये मुख्तलिफ रिस्ट ऑर्थोसिस है, वोलर ऑर्थोसिस होते हैं, वोलर ऑर्थोसिस फ्लेक्शन कंट्रोल कॉकअप स्प्लिंट, ये सारे वोलर में आ जाते हैं, जिसमें आमतौर पे
इट इज द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब स्प्रिंट फॉर द अपर एक्सट्रीमिटी. द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज द रिस्ट ड्रॉप फॉलोइंग रेडियल इंजरी. द अदर इंडिकेशन इंक्लूड स्ट्रेन है, कोई स्प्रेन है, तीनों टेंडोनाइटिस है, आर्थराइटिस है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, रिस्ट फ्रैक्चर है, फॉलोइंग कास्ट रिमूवल और द अदर पेनफुल कंडीशन वेयर द इमोबिलाइजेशन ऑफ द रिस्ट इज डिजायर्ड. ठीक है, फिर वोलर रिस्ट हैंड स्टेबलाइजर, रेस्टिंग स्प्रिंट जैसे कहते हैं, ऑल्सो नोन एज रिस्ट हैंड स्टेबलाइजर और पैन केक स्प्रिंट. दिस स्प्रिंट इज यूज टू सपोर्ट एंटायर हैंड राइट फ्रॉम रिस्ट टू फिंगर्स. ठीक है, in acute stage of trauma post operatively and in acute infection and inflammation. The objective of this splint is to immobilize all joints of hand for reducing pain and to prevent contracture. Acha jo volar the na wo to anterior side pe the zyada tha, dekhiye asal mein kuch function hai anterior side pe hai, jo dorsal honge wo zyada tar upar cover kar rahe honge. Theek hai, long opponeous splint, फोरआर्म बेस्ड थंब स्पाइक का, ये देखें ये थंब को इन्होंने पोजीशन ऑफ फंक्शन में रखा हुआ है. यूज फॉर डिकोर्वेंस स्टेनोजिंग टेनोसाइनोवाइटिस, जिसमें बहुत पेनफुल होती है कंडीशन. यहाँ थंब के पास स्नफ बॉक्स में बहुत दर्द होता है, इसमें दो टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें भी अगर आप देखें तो ये वाला थंब स्पाइक का जो इस काइंड ऑफ डॉर्सल रिस्ट ऑर्थोसिस. फिर WHO बहुत यूज होता है, डॉर्सल WHO इज रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस. देखें रिस्ट को स्पैन कर रहा है, हैंड ऑर्थोसिस WHO. ठीक है, ये भी मुख्तलिफ चीजों में दिया जाता है, हैंड को स्टैटिक करने के लिए, पेन रिड्यूस करने के लिए, रिस्ट और डिजिट्स में कोई प्रॉब्लम मुख्तलिफ जगहों पर दिया जाता है, हैंड एंड फिंगर ऑर्थोसिस. अब हम आ गए और नीचे शॉर्ट ओपोनियस ऑर्थोसिस, ये सिर्फ देखें थम को देख रहा है. डिकर्वेंस में भी दे देते हैं ये मुख्तलिफ थम की प्रॉब्लम में, कोई आर्थराइटिस है, इस तरह की चीजें. Bennett type of metal hand orthosis, rancho static orthosis with the bar of C. अगर यहाँ कोई तस्वीर आपको दिखा दूंगा, वरना आप बस ये ध्यान में रखें, हैंड एंड फिंगर ऑर्थोसिस काफी आपके लिए. अच्छा, फिंगर ऑर्थोसिस कुछ देख लीजिए, इसमें स्टैटिक जो है ये है, ये देखें ये बटोनियस डिफॉर्मिटी है. ठीक है, इसमें क्या हुआ देखें, इसकी जो डिफॉर्मिटी थी इसको उन्होंने स्प्लिंट फॉर बटोनियस डिफॉर्मिटी, ये देखें कैसे उन्होंने कवर किया. इसकी फ्लेक्शन एट अपर एक्सटेंशन एट द प्रॉक्सिमल जॉइंट को कम किया यहाँ पर, और नीचे इसकी एक्सटेंशन को कम किया और इसको स्ट्रेट कर दिया. फिर आ जाए स्वान नेक डिफॉर्मिटी. ठीक है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी को देखें किस तरह से उन्होंने कवर किया. ये बिल्कुल छोटे ऑर्थोसिस फिंगर, मैलेट फिंगर में स्प्रिंट फॉर मैलेट फिंगर. ये देख, ये दो तरफ से दिखाया हुआ है, दो तरफ से दिखाया है. मैलेट फिंगर ये है, मैलेट फिंगर की ये मिसालें हैं, स्वान नेक की ये मिसाल है, ये दोनों. फिर डायनामिक ऑर्थोसिस होते हैं, शोल्डर ऑर्थोसिस, बैलेंस फोरआर्म ऑर्थोसिस, BFO बहुत यूज होते हैं. इट इज द मोस्ट यूजफुल डिवाइस टू असिस्ट बोथ एल्बो एंड शोल्डर फंक्शन. एक साथ शोल्डर एल्बो फंक्शन को एड्रेस कर रहा है. इट कैन बी माउंटेड ऑन अ व्हील चेयर और ऑन अ टेबल और ओकेजन ऑन अ बेल्ट एट द लेवल ऑफ द इलियक क्रेस्ट. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रफ इन विच द प्रॉक्सिमल फोरआर्म रेस्ट. ये देखें ये ट्रफ है, यहाँ पर प्रॉक्सिमल फोरआर्म रेस्ट कर रहा है. A pivot and linkage system under the trough is adjusted and preset to the that the patient learn to produce movement at elbow and shoulder. इसके हाथ move नहीं कर रहे थे, लेकिन इसे देखें यहाँ पर इसके एक system दिया गया ताकि अपनी हाथ को आगे बढ़ा सके, extend कर सके elbow को. To that the patient learn to produce movement at elbow and shoulder with the movement of trunk and shoulder girdle. अपने शोल्डर और मूवमेंट को, क्योंकि गर्डल यू मूव कर रहा है, जो बहुत डिसेबल्ड पेशेंट होते हैं उसमें BFOs दिए जाते हैं, तो वो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इसको यूज करता है, हाथ को आगे ले जाता है. एल्बो ऑर्थोसिस में फंक्शनल डायनेमिक एल्बो फ्लेक्शन ऑर्थोसिस, इंडिविजुअल विद सिलेक्टिव लॉस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन सेकेंडरी टू ब्रेकियल प्लेक्सस है, या फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, कंजेनिटल डेफिसिट है, तो उसमें जो है ना ये एल्बो ऑर्थोसिस दिया जाता है. अब देखिए इसमें मुख्तलिफ डिग्रीज पे इसको सेट कर देते हैं और ऐसा 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 इसको एक्सटेंड करते जाते हैं. आपने देखा होगा जैसे एल्बो कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, तो फिर इसको कुछ अरसे इस पोजीशन में रखते हैं, फिर कुछ अरसे इस पोजीशन में, तो यहाँ से सेट कर लेते हैं. रैक्चर इसमें रैचेट लॉक होता है मैकेनिज्म, फ्लेक्शन असिस्ट स्प्रिंग भी यहाँ पर होता है. ठीक है, और फिर इसको आप मुख्तलिफ डिग्रीज में सेट करते जाते हैं जैसे सीरियल कास्टिंग होती है. रिस्ट ऑर्थोसिस
डायनेमिक रिस्ट ऑर्थोसिस विद डोर्सिफ्लेक्शन असिस्ट, ठीक है, इट इज अ मॉडिफाइड लॉन्ग ओपोनियस स्प्लिन डिजाइन टू असिस्ट रिस्ट एक्सटेंशन एंड अलाउइंग नॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। यहाँ पर देखें डायनेमिक रिस्ट एक्सटेंशन ऑर्थोसिस जो है यहाँ पर देखें अलाउ कर रहा है इसको, एक्सटेंशन फ्लेक्शन सारी डायनेमिक ऑर्थोसिस, फिर है डायनेमिक हैंड ऑर्थोसिस, ठीक, इसमें मुख्तलिफ मटेरियल से बनता है, सब्स्टिट्यूट करता है एब्सेंट ऑफ वीक एक्सटेंशन को, ठीक है। हैंड एंड फिंगर ऑर्थोसिस में मेटाकार्पोफेलिंजियल फ्लेक्शन ऑर्थोसिस टू प्रिवेंट द मेटाकार्पोफेलिंजियल एक्सटेंशन, ये मुख्तलिफ है। पीआईपी आप ये समझ लें, फिंगर ऑर्थोसिस ये बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है ना, इसको याद रखने की जरूरत है। पीआईपी एक्सटेंशन स्टॉप ये स्वान नेक में यूज होता है, और पीआईपी फ्लेक्शन स्टॉप ये देखिए फ्लेक्शन को स्टॉप कर रहा है, ये एक्सटेंशन को स्टॉप कर, फ्लेक्शन को स्टॉप कर रहा है, एक्सटेंशन को स्टॉप कर रहा है। फर्स्ट डोर्सल इंट्रोसियस असिस्ट कीप द इंडेक्स फिंगर एबडक्टेड एंड इन ऑपोजिशन, ये देखिए मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स है। यहाँ पर ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। अच्छा जी, आप अब मैं उससे बताता हूँ कि वो माइक को, आपके माइक को अनम्यूट करें। आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आप सबको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर सबको आवाज आ रही है तो आप, लेकिन वन बाय वन क्वेश्चन कीजिएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप डीआईएमसी और डीएमसी दो तरफ के लोग हैं ना, तो मुझे दो सीआरस के जो है ना मुझे ईमेल एड्रेसेस आप भेजिएगा, ठीक है। आपका, आप में से कोई सीआर है वो आ जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। पहले आपका जो सीआर है वो मुझसे बात करें, दोनों साइड के सीआर वन बाई वन बात करें। कोई क्वेश्चन है तो करें। Sir, this is Nurul Alma. जी, I have sent you my email address in the chat box. You send your email to the chat box, huh? Yeah. Okay, you are from DIMC or DMC? DMC, Dow Medical College. DMC. Okay, but you are the CR? Yeah. I will forward this thing to the send. No, I just want to talk to the CR. Is she or he, yeah, is here? Okay. So I am this year. Yeah. Okay, your responsibility is that inshallah I will all 12, 13 lectures or 11 lectures, I'll try to, because before somebody asked me, is there any